दोस्तों, आप लोगों ने काले जादू या ब्लैक मैजिक के बारे में ज़रूर सुना होगा और बॉलीवुड या हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ में भी देखा होगा। कई बार तो हम ऐसी कुछ कहानियाँ सुनते हैं जिसमें एक तांत्रिक काले जादू में निपुण होता है और इस तरह की कहानियाँ हमें बचकानी सी लगती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे देश भारत में एक ऐसा गाँव है जहाँ सदियों से काला जादू किया जाता है और यहाँ के स्थानीय लोग इस विद्या को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे आसाम में स्थित मायोंग नाम के गांव के बारे में बताऊंगा जो पूरे विश्व में काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मायोंग गांव नॉर्थ ईस्ट के आसाम राज्य का एक हिस्सा है और ये गांव काफी अनछुआ और कटा हुआ रहता है दुनिया से। मायोंग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है भ्रम, यानी कि इल्यूजन। जिस प्रकार कुछ गांव अपनी खेती बाड़ी या फिर हैंडीक्राफ्ट के मेथड अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन करते हैं, ठीक उसी तरह मायोंग के लोग अपनी अगली पीढ़ी को काले जादू में निपुण बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मायोंग के लोग कई तरह के जादू कर सकते हैं और वो लोग इस कला का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए करते हैं। अगर हम मायोंग गांव का इतिहास उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि इस गांव में काले जादू की परंपरा कई सौ सालों से चली आ रही है। स्थानीय लोगों की सुनी सुनाई बातों को अगर माने तो सन 1337 में इस गांव के तांत्रिकों ने मोहम्मद शाह के 1,00,000 घुड़सवार सैनिकों को आसानी से हरा दिया था और ये सारे घुड़सवार ऐसे गायब हुए जैसे कभी इनका वजूद ही नहीं था। इसके अलावा 1667 में औरंगजेब ने अपने जनरल राजा राम सिंह को आसाम जाकर अहोम की सेना पे कब्जा करने को कहा, लेकिन राजा राम सिंह के लोग मायोंग के काले जादू के बारे में सुनकर इस जगह पे लड़ाई करने से डर रहे थे। सियासी दबाव में राजा राम सिंह ने अपने सैनिकों को युद्ध में झोंका तो जरूर, लेकिन सन 1671 में उनकी हार हुई और इसके बाद राम सिंह को किसी ने भी नहीं देखा। स्थानीय लोगों की माने तो युद्ध में मायोंग के तांत्रिकों ने काले जादू का भरपूर इस्तेमाल किया था और यही वजह थी कि कोई भी सेना इनके आगे टिक नहीं पाई। अब दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि ये सारी बातें हाईली मैनिपुलेटेड है और इन लड़ाइयों को लोगों ने अपने युद्ध कौशल के बल पर जीता था, लेकिन कुछ लोग काले जादू को भी इन सभी जीत का श्रेय देते हैं। मायोंग गांव में कुछ उत्खनन करने वाले लोग भी आए थे और जगहों को खोदने पर उन्हें ऐसे कुछ हथियार जैसे ब्लेड्स मिले जिनका इस्तेमाल नरबलि देने के लिए किया जाता था। इससे लोगों ने यह अनुमान लगाया कि कई दशक पहले मायोंग में नरबलि भी दी जाती थी और इंसानी बलि को हमेशा काले जादू के रिचुअल से ही जोड़ के देखी जाती है। इन सब के अलावा मायोंग में अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित है जिसमें लोगों को उनके पूर्वजों द्वारा करे जाने वाले जादू के बारे में बताया जाता है। लोगों के हिसाब से उनके पूर्वज एक जानवर का रूप ले सकते थे, शेर और बाघ जैसे जानवरों को कंट्रोल कर सकते थे, हवा में उड़ सकते थे और यहाँ तक कि अदृश्य भी हो सकते थे। इस तरह का कारनामा करने के लिए तांत्रिक लोग अलग अलग तरह के मंत्रों का प्रयोग करते थे जैसे उड़न मंत्र, लोकी मंत्र इत्यादि। अब ये सारी बातें सुनने में एकदम अविश्वसनीय लगती है, लेकिन मायोंग के लोगों में इस तरह की बातें सुनना और उस पर विश्वास करना एक आम बात है। अब अगर जादू से करे जाने वाली अच्छी बातों का जिक्र करूं तो इस गांव में कई लोग हीलर्स यानी डॉक्टर्स हैं। जी हाँ, लेकिन ये कोई डिग्री वाले डॉक्टर्स नहीं है बल्कि ये लोग एक तरह के मैजिक प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपनी जादुई शक्ति से लोगों के सालों पुराने दर्द को मिनटों में ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसा करने के लिए ये लोग एक तांबे की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे ये आसानी से मरीज की पीठ पर चिपका देते हैं। इसके अलावा ये लोग टूटी हड्डियों को भी घंटों में जोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने तंत्र मंत्र और रिचुअल से ठीक करने का दावा करते हैं। मायोंग में आपको कई पाम रीडर्स भी मिल जाएंगे जो आपके हाथ की रेखाएं देख के आपके पूरे भविष्य को ठीक ठीक बताने का दावा करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाती है तो यहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर्स आपकी उस चीज को एक फूल और लोहे की प्लेट से खोज निकालेंगे।
जहाँ ये फूल अपने आप चलकर वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आपकी चीज़ चोरी या खोई होगी। दोस्तों मायोंग के लोगों को अपनी मैजिक प्रैक्टिसेस पे काफ़ी भरोसा है और इस गांव में कई दीवारों पे आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो यहाँ के लोगों के एंसेस्टर्स की टीचिंग है। इन इंस्क्रिप्शंस के अलावा इस गाँव में कुछ प्राचीन हस्तलिपियाँ भी हैं जो स्थानीय लोगों के कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताती हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें ये टीचिंग्स हमेशा एक गुप्त रूप से दी ताकि ये ज्ञान किसी गलत हाथों में ना पड़े। कई बार इस गांव में काले जादू का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी किया जाता है। इनमें मोस्ट कॉमन है किसी को अपने वश में करना या उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुँचाना इत्यादि। यहाँ के मैजिक प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि उनके पास कई तरह के जादुई तंत्र मंत्र हैं, लेकिन वो कभी भी किसी प्राकृतिक चीज को कंट्रोल करने में असमर्थ है, जैसे मौसम बदलना या बाढ़ इत्यादि। अब दोस्तों इन सारी बातों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कई लोगों ने करी है, लेकिन ज्यादातर लोग कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए, यानी कि ना तो वे इन बातों को मानते हैं और ना ही इनको नकार पाते हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि मायोंग गांव के इन मैजिक प्रैक्टिशनर्स की चीजों को संरक्षित करके रखना चाहिए ताकि हमारे देश के लोग अलग अलग कल्चर्स को देख सके और उन्हें समझ सके। उनके हिसाब से इन प्रैक्टिसेस में कुछ साइंटिफिक चीजें भी हैं जिन्हें काफी हद तक स्टडी किया जा सकता है। मायोंग के काले जादू की विद्या और चीजों को मायोंग ब्लैक मैजिक विचक्राफ्ट म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है और ये म्यूजियम गुवाहाटी में स्थित है। इन कहानियों की वजह से कई टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और वे लोग इस जगह के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं।